दुआ देता हूँ कि आप जीव हजारों साल, करते रहो कमाल, क्या बात रहना हमेशा माला माल, बॉम्बे रहो रही है रहो नैनीताल, यही तहे से दुआ दे रहा सुनील पाल। क्योंकि इश्क तुमसे हुआ, क्या करूं क्या करूं, जब आपसे इश्क हो गया है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको दुआ दे या आपके साथ रहे, लेकिन हमेशा आपके साथ रहेंगे क्योंकि आपके इश्क में ये जादू है कि आप सबको जोड़ना जानते हैं, आप कमाल करना जानते हैं, आपके माँ बाप ने आपका नाम ही रखा है कमाल। तो मुझे लगता है कि आप जो भी चीज करेंगे कमाल करेंगे, और जो चीज भी आप करेंगे वो कमाल की होगी। क्या बात है। सो बहुत सारी शुभकामनाएं, आज आप 19 साल के हो रहे हैं। स्वीट 19, क्योंकि इन्होंने स्वीट 90 एक स्पेशल रिश्वत देके ऊपर वाले से स्टे ऑर्डर ले लिया है। ये इन पे कोई फाइन नहीं मार सकता, इन पे कोई जुर्माना नहीं है, ये एकदम नो सिग्नल पे जो है खड़े हैं ट्रैफिक में, इनको कोई हिला नहीं सकता। इनकी खूबसूरती, इनकी इनके वजूद को बहुत तरक्की दे ऊपर वाला, बहुत आगे बढ़े, जो इनकी फिल्म रिलीज होने वाली है वो भी सुपर हिट हो और बहुत सारा पैसा आप कमाओ और फिल्में बनाओ ताकि हम सब कलाकार एक साथ और काम कर सकें। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अरमान ताहिल, एक्टर हूँ बॉलीवुड में, और यहाँ पर आज खुशी का मौका है, कमाल मलिक साहब का जन्मदिन है। हमने काफ़ी सारा काम किया है साथ में, अभी एक फिल्म भी कर रहे थे रांची में जिसका नाम था बधाई हो बेटी हुई है, जिसमें हमने बहुत सारा अच्छा काम किया, इन्होंने भी अच्छा काम किया, हमने भी किया है साथ में, जयप्रदा जी भी हैं, और साथ ही में अभी हमने एक सीरियल भी शूट किया था साथ में जिसमें हम बाप बेटे का रोल कर रहे थे, ये मेरे बाप बने थे, महंगा बेटा बना था, तो दोनों ही नेगेटिव कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और जिंदा दिल इंसान है। आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आज इनकी तीन तीन चीज़ें प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, एक तो इनका बर्थडे है, दूसरी इनकी फिल्म रिलीज हो रही है छिछोरे, और इनका एक सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है इश्क तुमसे हुआ। तो कमाल भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इश्क तो आपको मतलब तुमसे हुआ, ये तो एक हुआ आपका तो कई बार होता है, बहुतों से होता है, तो ये तो आपके ऊपर परफेक्ट सूट होता है कि आपको इश्क बार बार हुआ, ये भी होना चाहिए नेक्स्ट पार्ट, मेरे ख्याल से इश्क बार बार हुआ रिलीज होगा। अरे शाहिद, और बहुत ही मुबारकबाद इनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि ये इसी तरह आगे चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, और हमारे विशेष इनके साथ हमेशा रहेंगी। थैंक यू। मैं फर्स्ट टाइम कमाल जी से मिल रही हूँ उनके बर्थडे के टाइम पे, और उसी वक्त मुझे ये पता चला कि उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है और उन्होंने खुद ही सॉन्ग, उनका एल्बम भी रिलीज होने वाला है। सीरियसली उन्हें मैं दिल से बहुत दुआ देती हूँ कि उनका बहुत अच्छा जाए, और एक्टर तो वो कमाल के हैं क्योंकि मैं उनको देखती रहती हूँ, और मुझे उनके बर्थडे पे आके सीरियसली बहुत मजा आया। सबसे पहले मैंने पेट पूजा भी की, उसके बाद केक काटा, और सब मेरी लाइफ का फर्स्ट बर्थडे है कमाल जी के लिए, जो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। चलिए अभी देता हूँ मैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये आज की डेट में, मतलब आज के इस युग में, ये पहले एक ऐसे कलाकार हैं कि जो मतलब मैं एक्टर के साथ साथ सिंगर भी हैं, क्योंकि ये एक जमाना अगर आपको याद होगा किशोर दा का था, केएल सहगल साहब का था, मगर अगर कोई जेन्युइन चले हैं एज ए हीरो में, केएल सहगल साहब के बाद में किशोर दा चले एज ए सिंगर, और किशोर दा के बाद अगर कोई चलेगा तो हमारे कमल दा चलेंगे, क्योंकि टाइटल इतना प्यारा है इनका, इश्क तुमसे हुआ, और बड़ा ही जितने सुंदर है खूबसूरत है उतना इनका गाना खूबसूरत है, गाया भी बहुत अच्छा है, और हम सब इनके लिए प्यार से दुआएं करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, वाहेगुरु से, कि ये इतना बड़ा हिट हो कि दुनिया में ओले ओले बरसाता रहे। आज का दिन ही जो सुना आपने, तो हम रिकॉर्डिंग के बर्थडे आज आपका। हाँ भाई,
चुके नहीं, मैंने आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज ट्रिपल ट्रिपल खुशी है। ट्रिपल खुशी इसलिए कि एक तो आज मेरा बर्थडे है, दूसरी बात ये मेरा आज कल गाना सुबह आज रात को 12 बजे गाना अपलोड हो जाएगा, और तीसरी बात ये कल मेरी फिल्म रिलीज हो रही है छिछोरे, जिसमें श्रद्धा कपूर है, सुशांत सिंह राजपूत है, तो ये तीनों खुशियां एक साथ में है, तो एक ही दिन मैंने चुना कि सारी चीजें एक ही साथ हों। बहुत सही समय मिला, और दूसरा आप लोगों का सही साथ मिला, बगैर चैनल के हम कोई नहीं चल सकते, कुछ नहीं चल सकते बिल्कुल। आप लोग बड़े प्यार से इसको दिखाओ और पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैला दो कि आज हमारे कमल साहब का जन्मदिन है और आज ही इनका मतलब बहुत हिट गाना हुआ है, शॉर्ट शॉर्ट है वो। शुक्रगुजार हूँ दिलीप भाई का कि दिलीप भाई आए, मेरे लिए टाइम निकाला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिलीप भाई का, भाभी जी का, मेरे तो ये दोस्तों का जो मेरा यहाँ पर मौजूद हुए हैं जिन्होंने मेरा इतना इंतजार किया, थैंक यू सो मच। हां ये पहला बर्थडे है साहब के, मतलब बारात पहले आ गई, दूल्हे का पता ही नहीं, और हमारी जिंदगी में मतलब पहला ये अनुभव रहा है, उम्र बड़ा प्यारा रहा है, क्योंकि जितने थे इनके कोई गेस्ट नहीं थे, सब अपने थे, परिवार के थे, बिल्कुल, तो इसलिए परिवार के लिए कोई न्योता नहीं होता है, और आज हमारे बीच में बहुत बड़ी हस्ती आई हुई है अमित कुरैशी साहब, इनके लिए भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में ये पहले आदमी है कि जिनका मतलब बाकी जैसे नेताओं का इनका तो होता ही है टिकट, पर डाक टिकट पहली मरतबा अगर किसी की बनी है सोशल सेवा तो हमीद कुरैशी साहब की है, और मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया ये बात देखे कि अगर सच्चा इंसान है, काम करता है, चाहे वो फिल्म लाइन में करे, सोशल में करे, कहीं भी करें, तो अल्लाह ताला उसकी सुनता है, आज वाकई में इनकी सुनी है, और ये हमारे राजस्थान की एक शान है, आन है, बान है। कमाल जी का जन्मदिन भी है और एक नया एल्बम रिलीज किए हैं, तो कब से जानते हैं कलाकार के तौर पर, इंसान के तौर पर क्या करते हैं? कमाल खान जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, लास्ट 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन गा रहा है, और पहले तो मैं उनके जन्मदिन की शुभकामना देना चाहूँगा कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और इन्होंने जो एल्बम बनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स समथिंग डिफरेंट, तो मुझे अच्छा लगा, और मैं तहे दिल से इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इनका एल्बम और इनकी बर्थडे की विश देना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट। और बहुत सबसे पहले मैं कुसुम सिंह, और ये जो प्रोडक्शन हाउस है ये मेरा ही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको जितना ऐड कर सके इसको कीजिए, एंड मेरे तरफ से क्या नाम था, कमल खान विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, एंड मैंने उनका गाना देखा, बहुत ही अच्छा गाना है, और मैं भी एक एक्टर हूँ, तो आई होप लाइक सबको इस लेवल पे गाना होना चाहिए, एंड थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल तो मैं अभी एक मूवी करके आ रही हूँ, और अभी मेरी आ रही है क्राइम पेट्रोल, परसों शूट से आ रही हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ काम चल रहा है इसके लिए। जैसे कुसुम फिल्म प्रोडक्शन हाउस से जैसे मैं एड बना रही हूँ, एंड मूवी बना रही हूँ, एंड उसके बाद एल्बम सॉन्ग हो रहे, शॉर्ट फिल्म हो रहे, मतलब कुछ ना कुछ मेरे प्रोडक्ट चल रहे हैं। आप इसका देख लीजिए, अभी ये आ रहा है डॉन लेडी किलर, फिर यहाँ पे अमेजोन का एड आ रहा है, तो आगे भी मुझे करना है और भी गाने करने हैं, बस आगे आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब आपके ऊपर है। थैंक यू। देखिए प्रोडक्शन हाउस काफ़ी पुराना है, वैसे 6 साल हो चुका है इस प्रोडक्शन हाउस को। इस प्रोडक्शन हाउस में पहले एल्बम सॉन्ग हिंदी एल्बम सॉन्ग किए थे, अब ऑलरेडी हम लोग एड के लिए चालू किया है, फर्स्ट एड हम लोग ने स्टार्ट किया, वो लॉन्च भी कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं नियर रॉक करके है, और आप यूट्यूब पर आप डालोगे नियर रॉक तो आपको ऐड मिलेगा, फर्स्ट ऐड है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और आई होप आपकी सपोर्ट चाहिए, मीडिया की सपोर्ट चाहिए, पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, जो हम आपके थ्रू आगे बढ़ सके और आपका आशीर्वाद मिले। अभी फिलहाल तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं डॉन लेडी किलर एल्बम सॉन्ग है, जो डॉन ये है, लेडी भी यही है, मर्डर में होता है, तो गाना हिंदी है, और हम लोग अच्छी बजट पे कर रहे हैं इसको, और काफ़ी अच्छे लोकेशन लिए हैं, गोवा और
अच्छे लोकेशन है। थैंक यू सो मच।